बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे दूसरी मंजिल की शटरिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है। तो ये शटरिंग वाला बैठा हुआ है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है। तो ये भी सरिये वाले जो हैं ऊपर सरिया बांध रहे हैं, और ये मशीन लेंटर वाली मशीन का जो है ना वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी देर लैंटर नहीं डाल जाता इनका एक आदमी या दो आदमी जो है ना वो नीचे रहते हैं, ताकि वो इस नीचे जो है ना वो टेकियों की देखभाल करें कि कहीं से कोई टेकी टूट ना जाए। तो ये अब सरिया जो है आप देख रहे हैं ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सरिया जो है बांध दिया जाएगा। तो ये सरिया उनका मुकम्मल हो गया, तो इंशाल्लाह जो है ना अभी मशीन वाले भी जो है ना वो आ रहे हैं, बल्कि वो नीचे जो है ना वो सेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है लेंटर वो शुरू हो जाएगा। तो सरिया जो है वो आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि ये बीम डाले गए हैं 1.25 इंची के, ये बहुत ज़रूरी होते हैं छत की मज़बूती के लिए। बाकी जो सरिया है वो हमने आपको पहले भी बताया था कि 6-8 पे बांधा हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जो RCC सरिया है ना, ये दूसरे ईंटों वाले लेंटर से ज़्यादा सरिया लगता है इसमें, तो इसकी मज़बूती भी इसी में ही है कि ये इसमें सरिया ज़्यादा डाला जाए। तो आप देख रहे हैं कि सरिया मुकम्मल हो चुका है। तो अभी ये मशीन आ गई है और उन्होंने लेंटर शुरू कर दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 से 4 घंटे तक ये जो है ना ये लेंटर मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह जो मैं ना लेंटर के बाद जो है ना इसका जो मुकम्मल खर्चा आया ना, पहले वाले नीचे वाले पोर्शन का तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो अभी दूसरी इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको दोनों मंजिलों का खर्चा जो है ना वो टोटल करके बताऊँगा। तो उसके बाद जो है अभी हमने इसके ऊपर एक कमरा और ममटी और एक जो है ना वो बाथ वो भी बनाना है, तकरीबन 350-400 स्क्वायर फुट जो है ना वो हमने कवर करना है। तो आप देख रहे हैं ये लेंटर जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने में थोड़ी देरी रह गई है, मुकम्मल होने वाला ही है। पीछे से ये आप देख रहे हैं कि आ गए हैं, बस फ्रंट से थोड़ा सा रह गया है। तो इंशाल्लाह जो ना आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इसके बाद आने वाली जो वीडियो है ना वो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको टोटल ख़र्चा जो है ना, पहली मंजिल का तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये दूसरी मंजिल का दोनों का टोटल मिला के मैं आपको ख़र्चा बताऊँगा, जिसमें ऊपर एक कमरा और ममटी और उसमें ऊपर बात भी है वो शामिल होगा। तो इंशाल्लाह मैं उसकी जो पूरी लागत जो आएगी हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल वाली घंटी का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेंटर हमारा मुकम्मल हो गया है। तो इंशाल्लाह अब मैं जो अगली वीडियो है ना उसमें आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा।